महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, दृष्टि विज्ञान, सार्वभौम सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत आपको ऐसा सुख देना चाहते हैं जो परमानेंट हो, जिसके बाद में दुख ना आए। तो हम इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन के अंदर आपको परमानेंट सुख की नींव लगाना चाहते हैं। स्नेह स्नेह आने वाले जन्मों के अंदर आपको स्थायी सुख, शाश्वत सुख मिले, यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है भीतरी आँख। भाइयों और बहनों, आपके सामने हर एक व्यक्ति के दो आँख होती है, लेफ्ट आँख और राइट आँख। आँख का काम है कि वो बाहर की ओर देखना, वह जो है कलर देखता है। मुख्य पांच तरह के कलर होते हैं, काला, पीला, नीला, लाल और हरा। और इनका मिश्रण करें, सैकड़ों सैकड़ों लाखों लाखों असंख्य कलर इनके ओरिजिनल कलर के मिश्रण करने से हो जाता है। इन पांच जो है कलर्स के अंदर जो मुख्य कलर होता है वो डोमिनेटिंग होता है और दूसरे कलर साइलेंट रहते हैं। जैसे भौरा है, वो काला दिखाई देता हमको, तो काला कलर डोमिनेंट है और बाकी के चार कलर जो मुख्य कलर है वो साइलेंट है। हर एक जो है वह जड़ वस्तु के अंदर कलर होते हैं, चेतन वस्तु का कलर नहीं होता है। चेतन वस्तु तो जो है वो शरीर अशरीरी होती है, इसलिए उसका कोई कलर नहीं होता है, वर्ण भी नहीं होता, गंध भी नहीं होती, रस भी नहीं होता और स्पर्श भी नहीं होता है। तो भाई और बहनों, ये हमारी बाहर की जो दो आंखें हैं, एक आंख जो है प्रियता की आंख है, दूसरी आंख है अप्रियता की आंख है। तो ये आंख जो कहती है ये अच्छा है, ये आंख कहती है ये खराब है, ये आंख कहती है मैं इसको लाइक करती हूँ, ये कहती है मैं इसको डिसलाइक करता हूँ। सामने कोई व्यक्ति आ गया तो एक आंख कहती है इसको दूर भगाओ, दूसरी आंख कहती है कि इसको पास बुलाओ। इस तरीके से उन दोनों के बीच में राग और द्वेष की स्थिति पैदा होती है। राग द्वेष दो शब्द है, अगर इसको एक शब्द कहें तो वो कषाय है। और राग द्वेष दो शब्द में क्या आता है कि हमारे भीतर के जो शत्रु है, जिनका कि हमें समन करना है, उसके लिए हमें तीसरी आंख को खोलना है। तो वो कौन कौन से शत्रु है, वो है क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। ये हमारे चार बड़े शत्रु है और ये चंडाल चौकड़ी है। अब चारों में से आपने अपने भीतर किसी एक को परमिशन दे दी, जैसे कि आपने मान लीजिए लोभ को परमिशन दे दी, तो इसके साथ में क्रोध, अहंकार और माया ये ऑटोमेटिकली बैक डोर एंट्री से आपको बिना दिखाई दिए आपके घर में प्रवेश हो जाएंगे। इनके बीच में ये जन्म जन्मांतर का एग्रीमेंट है कि एक को परमिशन मिले तो अदृश्य रूप से तीनों साथ चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए एक व्यक्ति को जो है लोभी व्यक्ति है, वह पैसे कमा रहा है, जहाँ लाभा तहाँ लोभा, जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ होता है, लाभ बढ़ता जाता है तो व्यक्ति का लोभ बढ़ता जाता है, और लोभी व्यक्ति के पास में जब धन हो जाता है तो वह दूसरे का तिरस्कार करने लग जाता है, यानी अहंकार करने लग जाता है। तो देखिए, इस लोभ के आने से इसने किसको न्योता दिया, अहंकार को,
लोभी व्यक्ति अपनी दिखावट को बताने के लिए, अपने वर्चस्व को, अपने ऐश्वर्य को बताने के लिए वो अहंकार करने लग जाता है। देखो मैं समाज का बड़ा धनी हूँ, मैं मल्टी मिलियनर हूँ और मेरे इतना बड़ा लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरे जो है वो इतनी बड़ी गाड़ियाँ है, इतना ऐश्वर्य, इतना घर है, इतना धन है, इतना दौलत है, इतने काम है, इतने धंधे हैं, तो उसने अहंकार को जन्म दिया। इसी लोभी व्यक्ति के लिए कहा गया है कि विषयी नर की लालसा और पाम रोग की काज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। तीनों चीजें बड़ी बेअंदाज होती है। विषयी नर जो कि कहना चाहिए कि जो अय्यासी व्यक्ति है तो वो अय्यासी करता जाता, उसका शरीर क्षीण क्षीण हो जाता है, फिर भी अपने वीर्य का व्यय करता है और अपना एकदम कमजोर होने के बाद भी जो है वह जो है ऐशो आराम नहीं छोड़ता है। विषयी नर की लालसा और पाम रोग की खाज, जब व्यक्ति के पाम रोग हो जाता है तो उसको खाज करते करते खून आ रहा है, खून के टपके पड़ रहा है तो भी खाज करना वो बंद नहीं करता। क्यों? खाज वो इसी तरीके की होती है। और तीसरा लोभी की धन लालसा, तीनों बेअंदाज। लाखों हो गए, करोड़ों हो गए तो भी लोभ बढ़ता जाता है, अब अरब रुपए हो जावे तो मतलब इस तरीके से ये दावा नल की तरह लोभ बढ़ता जाता है। दावा नल में क्या होता है, एक छोटी सी चिंगारी जब वन के अंदर लग जाती है तो पूरे वन के सब जो है वो सूखे और आले हैं, सब पेड़ों को जला डालती है। क्योंकि जब अग्नि लगती है तो सूखे और आले दोनों जलते हैं, तो ये लोभ जो है दावा नल की तरह है। तो इस तरीके से मैंने बताया कि लोभी व्यक्ति ने अहंकारी भी बन जाता है। अब आगे बढ़िए कि ये जो धन दौलत पैदा की जाती है ये सामान्य ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के माध्यम से व्यक्ति जो है बहुत बड़ा धन कमा नहीं सकता, करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता, अच्छा कमा सकता है, तो उसके करने के लिए व्यक्ति अनैतिक धंधे करता है। तो जहाँ अनैतिक धंधा होता है वहाँ माया जुड़ी हुई होती है, माया बिना अनैतिकता नहीं होती है। तो इसका मतलब यह कि लोभ ने किसको जन्म दिया, अहंकार को जन्म दिया, बुलावा भेजा और उसके साथ साथ में माया को भी जो है उन्होंने इनवाइट किया। अब देखिए किसी व्यक्ति कोई भी लोभी है तो वह अहंकार भी हो गया और उसको माया भी हो गई। और जब ऐसे अहंकारी व्यक्ति को या ऐसे लोभी व्यक्ति को जो कि अपना प्रदर्शन कर रहा है, कुछ लोग चैलेंज दे दे उसको, कहे भाई तुम्हारा धन तुम्हारे पास है, हमारे को क्या लेना देना है, तो इस तरीके की कुछ बातें कुछ टोंड कस दे वे, तो उसको गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो गुस्से को भी इनविटेशन मिल गया, तो ये चंडाल चौकड़ी चारों ही इकट्ठी हो गई, एक आ गया तो चारों ही आ जाता है। इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए, हम ये बात करेंगे भीतरी आँख की कि ये कैसे किस तरीके से जो है इनको इनविटेशन न मिले, ये हमारे पर हावी न हो, ये हमारे पर भीतर प्रवेश न हो। हमने दो बाहर की आँखों को जो बात कही, मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट जो है वो ईसाइयों के भगवान या गुरु माने जाते थे। तो एक जन्मांध व्यक्ति था, तो जन्मांध व्यक्ति जो ईसा मसीह के पैरों में पड़ करके गिड़गिड़ाया कि हे प्रभु, हे भगवान, हे यीशु मसीह, मैंने जन्म से आज तक इस दुनिया को नहीं देखा कि दुनिया कैसी होती है, क्योंकि मैं जन्मांध हूँ, मेरे आँखें नहीं हैं। और जीसस क्राइस्ट तो हर प्रभु जैसा होता है उनकी तरह वो करुणाशील थे, उनको दया आ गई और उसने उस अंधे को दो आँखें दे दी, चरम चक्षु दे दिए और अंधा देखने लग गया। और उसने उसका शुक्रिया, अंधे ने जो भगवान का शुक्रिया अदा किया और चला गया। जब उसने इतने समय के बाद युवा अवस्था में था, दुनिया देखी तो सुरा को भी देखा, सुंदरी को भी देखा और वो अपराध करने लगे, अपराध में पकड़ा गया, तो लोग उसको पकड़ के पुनः जो ईसा मसीह के पास में लाए कि इसने तो, आपने तो इसका कल्याण किया, आपने तो इसको दोनों आंखें दे दी, लेकिन इसने जो इसका दुरुपयोग किया, तो ईसा मसीह को अपनी भूल का रियलाइजेशन हुआ कि मैंने इसको दो बाहर की आंखें दी है, भीतरी आंख नहीं दी है, इसी कारण दुरुपयोग हुआ।
तो अब हम भीतरी आंख की बात करते हैं। वो भीतरी आंख थर्ड आई कहलाती है और थर्ड आई की बहुत ज्यादा चर्चा आज विश्व के अंदर धार्मिक ग्रंथों में, तो थर्ड आई के लिए बहुत बड़ा लिटरेचर लिखा जा चुका है। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला करता था। ये तीसरा नेत्र क्या है? ये जो तीसरा नेत्र है, बाहर के दो नेत्रों को संतुलित करने का तीसरा नेत्र है, कि मतलब ये भी नहीं और ये भी नहीं, और तो तीसरी अवस्था होती है या ये भी ठीक और ये भी ठीक कहिए, या ये भी नहीं और ये भी नहीं है, उन दोनों को मान्य करते हुए अमान्य करते हुए तीसरा नेत्र खुल जाता। वो संभाव का नेत्र होता है, वो समानता का नेत्र होता है, यानी प्रियता अप्रियता, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, और सम्मान में तिरस्कार में, जितना जितना दुनिया का ये द्वैत है, उस द्वैत के अंदर एक समान रहो, द्वैत को एक जैसा समझो। द्वैत को तराजू के दो पलड़े होते हैं, दोनों पलड़ों के ऊपर बराबर एक सा समझो, ये संभाव की स्थिति होती है। गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है। स्थित प्रज्ञ वह होता है जो कि लाभ हानि और सम्मान तिरस्कार, सुख और दुख को जो है एक पलड़े पर तोड़ता, वो निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म की थ्योरी करने वाला तीसरे नेत्र का जीवन जीता है, संभाव का जीवन जीता है। कैसे जीता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा निष्काम कर्म की गीता की जो मुख्य थ्योरी है, वो ये कहती है कि आप कर्म करते हो, आपको कर्म करना पड़ेगा। हर मनुष्य पूरे जीवन भर ऐसा कोई क्षण नहीं आता है जबकि वह कर्म नहीं करता है। हम भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम नींद लेते हैं तो नींद के अंदर हमारा अवचेतन मन होता है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो हमें कई सपने दिखाता रहता है, यानी उस समय भी हमारा कर्म जारी रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पूरे जीवन भर एक क्षण भी बिना कर्म के हम नहीं रह सकते, क्योंकि कर्म हमारा प्रारब्ध है, कर्म हमारा उदय भाव है, तो वो तो उदय के अधीन और वह कुदरत के अधीन चलता है, उसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, हमको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले जन्म में कॉज डाल के आए हैं, तो वो कॉजल बॉडी को खड़ा किया है, कर्म बीज डाले हुए हैं, तो इस जीवन के अंदर हमको कर्म फल मिलेंगे और उस कर्म फल के अनुरूप सुख दुख की अनुभूति होगी, तो वो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म तो जब करना ही है तो कैसे किया जाए, व्यवस्थित तरीके से किया जाए, तो ये व्यवस्थित तरीके से कर्म करना ये सनातन सत्य विज्ञान है। विज्ञान होता है वो सनातन सत्य होता है, वह यूनिवर्सल होता है। कोई भी विज्ञान का एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में करो, अमेरिका में करो, यूके में करो, जापान में करो, जर्मनी करो, सबके रिजल्ट एक से ही आते हैं, इसीलिए विज्ञान को सनातन कहा गया है। तो भाई और बहनों, जो हम तीसरी आँख की बात कर रहे थे, वह स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे थे कि वह दोनों को समान समझता है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं आती, वो निष्काम कर्म के रूप में काम करता, कर्म तो करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करना है। जब हमको फल की इच्छा नहीं करना होता है तो फिर हम तो मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि फल हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, ये भक्ति मार्ग होता है कि जो कुछ भी मेरा जो अच्छा या बुरा है सब आपका, आपके चरणों में समर्पित हूँ, मैं तो हर कार्य आपके नाम से करता हूँ, तो इसीलिए मेरा, मैं तो कर्म करना मेरा अधिकार है, फल मेरा अधिकार नहीं है, ये भक्ति मार्ग के अंदर आता है। तो जब हम फल की इच्छा छोड़ लेते हैं तो अनासक्त हो जाते हैं, हम सन्यासी बन जाते हैं, हम साधु बन जाते हैं, क्योंकि साधु के लिए कहा गया है कि जो है वह, ये कहा गया है कि उसके लिए एक बहुत बड़ी कहावत कही गई है कि जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह,
मतलब जिस व्यक्ति को कुछ न चाहिए वह शहंशाह होता है। तो इसीलिए जो है उसीलिए हमें ये ध्यान करना होता है कि व्यक्ति को कामना नहीं करनी चाहिए, यानी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, ये हमारा मुख्य दायित्व तो होता है। तो उसके लिए कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। शहंशाह वह होता है जिसकी कोई कामना नहीं होती, जो फल की इच्छा नहीं करता है। तो इसलिए जब चाह ही चली गई, जब कामना ही चली गई, तो चिंता मिट जाती है और मनुआ होता है यानी मन है बेफिक्र हो जाता, टेंशन फ्री हो जाता है और वह शहंशाह कहलाता है, क्योंकि इसको कोई भी आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए हमें भारत के सच्चे सन्यासी होते हैं उनको भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुबेरपति कोई भी नमन करता है, ये नमन उसके त्याग को है, वो नमन उसकी कामना रहित भावना को नमन है। तो भाई और बहनों, ये जो तीसरा नेत्र है ये हमारा जो है वह जो है प्रज्ञा चक्षु है, ये हमारा प्रज्ञा चक्षु भी कहलाता है। स्थित प्रज्ञ की हमने बात कही, प्रज्ञा चक्षु उसको कहते हैं जो कि प्रज्ञावान बन जाता है। व्यक्ति जब प्रज्ञा के दायरे के अंदर चला जाता है तब उसको सत्य की अनुभूति होती है और प्रज्ञा के दायरे में शब्दातीत हो जाता है। प्रज्ञा के दायरे के अंदर वह जो है वो इंद्रियातीत हो जाता है, वो सत्य का अनुसंधान करने लग जाता है, वो अवचेतन मन में वो तेजस शरीर के अंदर प्रवेश कर लेता है और वह संभाव की स्थिति में आ जाता है। जो तीसरा नेत्र है वो संभाव की स्थिति होती है और ये नेत्र खुलने के बाद में व्यक्ति एक ईश्वर का रूप हो जाता है और संभाव को धीरे धीरे गहरा करके अपने जीवन का अंग बना देता है, तो ईश्वर से कम नहीं है, क्योंकि ईश्वर वह होता है जो कि हर स्थिति में परिस्थिति में अपने आप को जो है वो संभाव के अंदर रखे, उसके अंदर कोई फर्क नहीं समझे। तो भाई और बहनों, अब इस एपिसोड को हम ओपन टू द ऑडियंस करते हैं, यानी हम जो है वो ऑडियंस से इसके सुझाव, इसकी वायबिलिटी और इसकी सोशल यूटिलिटी और ये समाज और देश को क्या देगा। तो हम जो तीसरा नेत्र की बात करते हैं, व्यक्ति अगर तीसरा नेत्र खोल देता है, तीसरे नेत्र का अभ्यास करता है, तो वह व्यक्ति संभाव की स्थिति में चला जाता है और उस व्यक्ति को जीवन के अंदर कभी दुख की अवस्था नहीं आती है। वह तो दुख में से सुख निकालने की कला को जान जाता है, क्योंकि संभाव की स्थिति के अंदर जब हर स्थिति को समान समझना होता है और सारे भावों में उतार चढ़ाव नहीं आता है तो राग द्वेष नहीं होता है, और जब राग द्वेष नहीं होता है तो दुख की भी स्थिति नहीं आती है। इसीलिए जो हमारा अज्ञान है वह अज्ञान राग द्वेष है, ये अज्ञान की वेल्डिंग है, इसको हमें तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए हमें एक दवाई का जो है वो इजहार करना पड़ेगा, और वह दवाई इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, और वह शक्ति जो राग द्वेष की प्रतिरोधात्मक शक्ति है वह संभाव है। संभाव हमारे भाव जगत से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दृष्टि विज्ञान है। हमने इस कार्यक्रम का नाम दृष्टि विज्ञान इसलिए दिया हुआ कि हर वस्तु जो कि चेतन से जुड़ी हुई है वो हमारा दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान सनातन है, दृष्टि विज्ञान ये सनातन सुख देता है, शाश्वत सुख देता है और सनातन सत्य होता है, क्योंकि हमारा जो चेतन है वो अजर है, अमर है। जब अजर अमर है तो उससे निकलने वाली भाव सत्ता, जो प्रज्ञा कहिए या हमारा संभाव कहिए या संवर कहिए, वह सारी भाव सत्ता है। तो भाव सत्ता जो है वह भी अजर अमर होती है, क्योंकि वह जड़ से अलग है, जड़ के नियम अलग है, चेतन के नियम अलग है। जड़ कभी चेतन नहीं बन सकता, चेतन कभी जड़ नहीं बन सकता, दोनों का और दोनों का मिश्रण है। ये हमारा शरीर है वो मिश्र चेतन है, जड़ और चेतन का दोनों का बना हुआ है, लेकिन इसको मिश्र चेतन बनाता कौन है इसको, क्योंकि शरीर तो प्योरली जड़ है,
इसको मिश्र चेतन, चेतन की उपस्थिति बनाती है, चेतन की हाजिरी बनाती है। और जब चेतन चला जाता है, जब हंसा उड़ जाता है, तो डॉक्टर कहता है नाउ ही इज़ डेड और ही इज़ ए डेड बॉडी। तो वह जो है मुर्दा हो जाता, मुर्दा प्योरली जड़ तत्व तो है, और उसके भीतर जब चेतन होता है तभी जो है इसका मोल होता है। इसीलिए कहा गया जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने, यानी जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला आत्म तत्व को जानता है, क्योंकि जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, ये जो हमारा पिंड है, शरीर है, वो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड का एक एक अंश इस मनुष्य के शरीर के अंदर है। प्रतिनिधित्व क्या होता है, कोई देश का प्रधानमंत्री जब दूसरे देश की मीटिंग में जाता है तो उस देश का वो प्रतिनिधित्व कहलाता है। जहाँ का MLA जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रतिनिधित्व करता है। MP जो है उस जो है संसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि सारी जनता जो 7 करोड़ की है, जो 7 लाख 10 लाख वोट देने वाले सारे तो जा नहीं सकते, तो वो प्रतिनिधि होता है। तो इसीलिए ये जो है हमारा प्रतिनिधि बन जाता है, हमारे इस जो है भाव सत्ता का प्रतिनिधि है वह है हमारी प्रज्ञा। प्रज्ञा जो है वो मोक्ष की प्रतिनिधि है, मोक्ष में ले जाने वाली है, क्योंकि प्रज्ञा कभी भी गलत काम नहीं कराती है। वो हमेशा सुबुद्धि के साथ होती है, कुबुद्धि के साथ कभी नहीं जाती है। ये बुद्धि जो है ये हमको संसार में भटकाने वाली है, ये राग द्वेष पैदा करती है, ये अच्छा है ये बुरा है, और इसको गले लगाओ इसका तिरस्कार करो, और वो सम्मान की बात करती है और तिरस्कार की बात करती है, यानी विषमता पैदा करने वाली है ये हमारी बुद्धि है। इसीलिए हमें बुद्धि पर ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं करनी चाहिए। जो लोग केवल बौद्धिक कसरत करते हैं वे विद्वान तो बन जाते हैं, लेकिन विद्वान बनना ही सब कुछ नहीं है। उनको प्रज्ञा चक्षु बनना, उनको स्थित प्रज्ञ बनना, उनको जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर या हमारा जो अवचेतन मन है उस तक पहुंचना जरूरी है। वहाँ पर वो शब्दातीत इंद्रिया तीत हो जाता है, वहाँ पे सत्य के दर्शन होते हैं। वो सत्य के दर्शन होने के बाद के अंदर वह पंडित बन जाता है। वो पंडित व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करता, पंडित व्यक्ति कभी किसी का शोषण नहीं करता। और आज जो हमारे इस दुनिया के अंदर जितनी जितनी बुराइयां हैं, घरेलू हिंसा है, सामाजिक हिंसा है, आतंकवाद है, असंवेदनशीलता है, रेप की बात है और करप्शन की बात है, जितनी जितनी समाज के अंदर सारी बुराइयां हैं, वह बुराइयां बुद्धि के स्तर पर होती है, वह विद्वान के स्तर पर होती है, लेकिन प्रज्ञा चक्षु बनते ही, प्रज्ञा में जगत में जाते ही वो सब बुराइयां रुक जाती। इसीलिए हमारी पुरानी जो गुरुकुल सिस्टम प्रणाली थी वह शिष्य को इस बुद्धि के साथ साथ में प्रज्ञा का भी अवलोकन कराते थे, वो प्रज्ञा जागृत करवाते थे। प्रज्ञा जागृत का अर्थ होता है अध्यात्म में जाओ, भीतर की ओर जाओ, और जब हम भीतर की ओर कदम रखते हैं तो हमारा तीसरा नेत्र खुलता है, क्योंकि भीतर के जगत में वाइब्रेशंस ही है सारे। तो ये जो बाहर के जगत के जितने भी शब्द है वही विषमता पैदा करते हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने जितने लोग होते हैं उनकी अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग विचार होते हैं, इसलिए मतभेद होता है। लेकिन जो प्रज्ञा के जगत में चला जाता है, जो विवेक के जगत में चला जाता है, जो अवचेतन के मन के अंदर जगत चला जाता है, चाहे ईसा मसीह जाए, चाहे मोहम्मद साहब जाए, चाहे गुरु नानक जाए, चाहे भगवान महावीर जाए, चाहे जो है वो जो है महात्मा गांधी जाए, कोई भी उस प्रज्ञा के जो क्षेत्र में जाता है तो वो जो है सच्चा ट्रुथ देखता है, सनातन सत्य देखता है, यूनिवर्सल ट्रुथ देखता है, सार्वभौम सत्य देखता है। वही हमारे जीवन का उद्देश्य, हम आपको प्रज्ञा चक्षु बनाना चाहते हैं, स्थित प्रज्ञ बनाना चाहते हैं, हम आपको शब्दातीत करना चाहते हैं, हम आपका तीसरा नेत्र खोल जाते हैं।
ये सारी अवस्था है। तीसरे नेत्र की अवस्था होती है संभाव की अवस्था होती है, और संभाव एक स्थायी समाधान देता है जीवन के अंदर। आप देखो कि मुझे तो कुछ न कुछ स्थायी मिले, बार बार बदलना न पड़े, तो मैं आपको राय देना चाहूँगा, आप संभाव की स्थिति को पैदा कर दो, आपको कुछ भी नहीं बदलना पड़ेगा, क्योंकि संभाव हमारी भाव सत्ता से जुड़ा हुआ है, और भाव सत्ता जो है हमारी आत्मा की प्रॉपर्टी, आत्मा का गुण है, जो कि हमारी प्रज्ञा भी कहलाती है, हमारा अवचेतन मन भी कहलाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि व्यवहार जगत के अंदर दो आँख चलती है, हम इसको मना नहीं करते हैं, और ये चलेगी, क्योंकि ये व्यवहार जगत का नियम है, और ये व्यवहार जगत है वो कुदरत, कुदरत रचना और कुदरत के कानून से बंधा हुआ है, प्रतंत्र है। तो जिसमें प्रतंत्रता होती है, हम आपको क्या कह सकते हैं, एक कैदी व्यक्ति को मैं कहूँ कि मेरे घर आके खाना खा लेना, तो क्या पॉसिबल है? नहीं, वो तो कैद के अधीन है। तो उसी तरीके से जो हमारा उदय है, प्रारब्ध है, उसमें हम प्रतंत्र है, हमें 1% भी परिवर्तन करने की पावर नहीं है, हम कुदरत के अधीन हो गए, और जैसे कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत होगा, उसी के अनुसार हमारे उदय प्रारब्ध होगा। तो जब चीज़ नियत है, तो फिर उसके अंदर, और ये ऑटोमोड से चलता है, जितना भी कुदरत का काम है ये प्रतिष्ठित आत्मा से पड़ता है, प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल है, ऑटोमोड से चलती है, वो डिस्चार्ज से जुड़ी हुई है। तो आप उसके अंदर क्यों टाइम खराब करते हो? आपका ये टाइम जाया होता है, क्योंकि आप उसके साथ जुड़ोगे तो राग द्वेष होगा। दुनिया में क्या है? दुनिया के अंदर हमारा परिवार है, घर है, समाज है, तो आप कहीं भी जाओगे तो सारा राग द्वेष मिलेगा। अब आपकी क्या थ्योरी होनी चाहिए, आपका क्या चिंतन होना चाहिए, कि ये जो आपका जो है उदय है, प्रारब्ध है, इसके साथ संपर्क नहीं करना है, इसको तो एज इट इज बाईपास करो, बाईपास करो। सारा उदय और प्रारब्ध है वो विचारों के द्वारा होता है, भुगतान सब विचारों के द्वारा होता है। तो विचार मन से होता है, तो विचारों को बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो, बाईपास करो। हम उसके साथ में नहीं जुड़ गए तो हम तो बच गए, हम तो तीसरी आँख में रहना सीखो। तीसरी आँख जो है वह जो है भीतरी आँख कहलाती है। आप भीतरी आँख से देखना चालू करोगे, इसका मतलब आप चेतन के पाले में हो, और आप चेतन की जो है व्यर्थ ना कर रहे हो, आप चेतन से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो, और वो हमारा अस्तित्व है, हमारे से कभी अलग नहीं होता है। भूत भविष्य वर्तमान के अंदर हमारा जो चेतन है, हमारा जो प्रभु है, वो हर क्षण हमारे साथ में रहता है, इसलिए हम अपने घर में रहते हैं। और ये जितना उदय और प्रारब्ध है, ये सब किराए का मकान है, ये हम भोग करके चले जाते हैं, फिर नया जन्म लेते हैं, लेकिन आत्मा का कोई जन्म नहीं होता है। आत्मा तो भूत भविष्य और वर्तमान के अंदर सदा एक सी रहती है, और ये मूल स्वरूप के अंदर भीतर है ही है, और ये हमको जो दिखाई दे रहा है ये अशुद्ध स्वरूप इसलिए है कि ये कर्मों से बंधी हुई होती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम देखते रहिए, इसमें सफलता के सूत्र है, इसमें जीवन निर्माण के सूत्र है, इसमें लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के सूत्र है, इसमें एक अच्छा इंसान बनने के सूत्र है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, और आप श्रोतायु होकर के खूब अपने परिवार के साथ में रहते हुए आप समाज में परोपकार करें, समाज के भले के लिए कार्य करें, जगत कल्याण करें। आपके प्रति मंगल भाव। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।